हेलो बच्चों, अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 3 to the power 7, b to the power 6 और डिवाइडेड बाई 18 a to the power 6 और b to the power 8। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है x^n m डिवाइडेड बाई x^n, और इसका जो वैल्यू होता है x^m-n होता है। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 divided by 18 इंटू a to the power 7 डिवाइडेड बाई a to the power 6 इंटू b to the power 6 डिवाइडेड बाई b to the power 8। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और 1/6 हो गया, इंटू a to the power 7-6 हो जाएगा, इंटू b to the power 6-8 हो जाएगा। आगे जाके और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू a to the power 7-6 1 इंटू b to the power -2 इक्वल टू 1/6 ए, है ना, इंटू b to the power -2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए a/6b2। ठीक है, ये आपको क्या है, इसका आंसर है। तो आशा करता हूँ ये जो है काफ़ी इजीली आपको समझ में आ गया होगा।